नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार असिस्टेंट डिवीजनल फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मासिक कैलेंडर जारी। पर्यटन विभाग ने राज्य में चिन्हित किए नए पर्यटन स्थल। तिथि बढ़ने से इंस्पायर को आया 12,000 से अधिक आइडिया। अब भारत का अगला मिशन समुद्रयान या मत्स्य 6,000। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार असिस्टेंट डिवीजनल फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की अग्निशमन सेवा अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। ऐसे में वे उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बिहार लोक सेवा आयोग के एप्लीकेशन पोर्टल onlinebpsc.bihar.gov.in पर एक्टिव लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से साइंस या फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किया होना अनिवार्य है। एसएमएस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार पुलिस के 2 आईपीएस और 33 डीएसपी का हुआ तबादला। बीते दिन गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 2 आईपीएस और 33 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनमें आईपीएस अधिकारी में 2019 बैच की काम्या मिश्रा और 2020 बैच की स्वीटी सहरावत के नाम शामिल हैं। वहीं जिन 33 डीएसपी का तबादला किया गया है उनमें 2007 बैच के सतीश कुमार और शशि शंकर कुमार शामिल है। इसके अलावा 2010 बैच के नूरुल हक और अनवर जावेद अंसारी, 2013 बैच के अजय प्रसाद, सुमित कुमार, रमेश कुमार, कृष्ण मुरारी प्रसाद, प्रविंद्र भारती और रहमत अली, 2018 बैच के धीरज कुमार, प्रकाश कुमार, अमित कुमार, कुमार देवेंद्र, राकेश कुमार रंजन, संदीप गोल्डी, अविनाश कुमार, सतीश सुमन, नजीब अनवर, अशोक कुमार, सुधीर कुमार, दिलीप कुमार, रामकृष्णा, सौरभ जायसवाल, नवल किशोर और राजकिशोर कुमार, 2019 बैच के जयप्रकाश सिंह, आलोक कुमार, सिंधु शेखर सिंह, ओम प्रकाश, अरुण और विनय कुमार के नाम शामिल हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मृत्युंजय प्रभाकर के बारे में। मृत्युंजय प्रभाकर का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। यह एक भारतीय नाटककार, थिएटर निर्देशक, थिएटर समीक्षक, कवि, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में नाटक और थिएटर कला के सहायक प्रोफेसर और 2012 में बिहार सरकार द्वारा बिहार कला सम्मान के प्राप्त करता है। मृत्युंजय का थिएटर करियर पटना में तब शुरू हुआ जब वह स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 2005 में शहर नाम से अपना समूह स्थापित किया और कठोरता से काम करना जारी रखा। उन्होंने हबीब तनवीर, बीबी कारंत, प्रसन्ना रतन थियाम द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय नाटक और रंगमंच की प्रमुख हस्तियों से नाट्य शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डी आर अंकुर, लोकेंद्र अरम्बम, एच एस शिव प्रकाश, सुरेंद्र शर्मा, परवेज अख्तर, विजय कुमार, जावेद अख्तर खान, सुमन कुमार और अन्य निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। बिजली चोरी की सूचना दे ऐसे। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बिजली चोरी करने का काम करता है और आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिजली चोरी करना एक जघन्य अपराध है। ऐसा करने वालों पर विद्युत चोरी भारतीय विद्युत अधिनियम धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध की भागीदारी होता है। ऐसे में आप खुद भी बिजली चोरी से बचे और साथ ही अपने आसपास और अपनी जान पहचान के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करने का काम करें। वहीं अगर आप बिजली चोरी की सूचना देना चाहते हैं तो आप ये सुविधा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 7033355555 पर भी संपर्क कर शिकायत किया जा सकता है। बता दें कि यह जानकारी ऊर्जा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी की गई है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत। बिहार सरकार के द्वारा टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उन्हें अब बकाया देय पत्रकर एक मुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट दी जाएगी। ऐसे में इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक के द्वारा 7 फरवरी 2024 तक उठाया जा सकता है। इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।
मालूम हो कि वाहन मालिक टैक्स डिफॉल्टर सौ समय कर जमा नहीं करने के कारण बने हैं। बता दें कि वैसे वाहन मालिक जो टैक्स डिफॉल्टर हैं, वे एक मुस्त 30,000 रुपए जमा करके अर्थदंड से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े पाए इतना अनुदान। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को 1,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने वालों में विवाहित जोड़ों में से वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऐसे में जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह विहित प्रपत्र में आवेदन प्रखंड के RTPS काउंटर पर जमा कर सकते हैं। वहीं योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर भी संपर्क किया जा सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मासिक कैलेंडर जारी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मासिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा बच्चों के लिए होमवर्क करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत कक्षा 1 के बच्चों को अक्षर ज्ञान 1 से 99 तक की गिनती और 20 तक की उल्टी सीधी गिनती याद करनी होगी। तो वहीं कक्षा 7वीं के छात्र कहानी, कविता का संक्षेपण, मुहावरा और लोकोक्तियां आदि को करेंगे। कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी व्याकरण आदि की जानकारी लेनी होगी और कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टीवी पर होने वाली अंग्रेजी डिबेट को सुनना होगा और फिर कक्षा में उसका विमर्श करना होगा। मालूम हो कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग होमवर्क निर्धारित किए गए हैं। इन सब के अलावा बच्चों को छुट्टियों के दौरान प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाएंगे। बता दें इस संदर्भ में परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बिहार में 5,00,000 हेक्टेयर बढ़ा धान का रकबा। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में धान के रकबे में 5,00,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पिछले वर्ष जहां 29.92 लाख हेक्टेयर धान के रकबे की रोपनी हुई थी तो वहीं इस साल 35.51 लाख हेक्टेयर धान के रकबे की रोपनी हुई है। मालूम हो कि इस वर्ष गन्ना और तिलहन को छोड़ अन्य सभी खरीफ फसल के रकबों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके अंतर्गत मोटे अनाज के रकबे में 19,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो वहीं इसके अलावा मक्के के रकबे में 0.11 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ तिलहनी के रकबे में 0.05 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत का अगला मिशन समुद्रयान या मत्स्य 6000। भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन पर सफलता पा ली गई है, वहीं अब यह सूर्यान मिशन पर भी सफलता पाने में लगी हुई है। लेकिन अब बहुत जल्दी भारत एक नए मिशन पर जाने वाला है। बता दें इस बात की जानकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अगला है समुद्रयान। यह चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में निर्माणाधीन मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान में गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए एक पनडुब्बी में 6 किलोमीटर समुद्र की गहराई में 3 मनुष्यों को भेजने की योजना है। यह परियोजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगी। डीप ओशन मिशन प्रधानमंत्री के ब्लू इकोनॉमिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी जी और देश की आर्थिक वृद्धि, आजीविका और नौकरियों में सुधार और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की परिकल्पना करता है। पर्यटन विभाग ने राज्य में चिन्हित किए नए पर्यटन स्थल। बिहार में पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल सके इसके लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा कई कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब विभाग की ओर से राज्य में नए पर्यटन स्थल को चिन्हित किया गया है। बता दें कि इस संबंध में विभाग की ओर से नए चिन्हित पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा। ऐसे में बहुत जल्दी बिहार में नए पर्यटन स्थल जुड़ने वाले हैं और साथ ही बहुत जल्दी ये नए पर्यटन स्थल पर्यटन मैप पर आने वाले हैं। मालूम हो कि विभाग की ओर से इन चिन्हित पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में नए पर्यटन स्थल को चिन्हित किया गया है उनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के नाम शामिल हैं। पटना हावड़ा सहित 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ चलने की तैयारी। बहुत जल्दी भारतीय रेलवे के द्वारा पटना हावड़ा सहित विभिन्न मार्गों पर 9 AC ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि 9 ट्रेनों को चलाने के लिए रैक का निर्माण चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया जा रहा।
भारतीय रेलवे के अपडेट के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 5 मार्ग पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और 3 मार्ग दक्षिणी रेलवे को सौंपे गए हैं। हालांकि अभी दक्षिणी रेलवे के मार्गों के नाम पर फैसला होना बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए रूटों पर जिन वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन होने वाला है वो भगवा डंग में हो सकता है। मालूम हो कि अभी वर्तमान में देश भर में 25 से अधिक ट्रेनें चल रही हैं जो कि 50 मार्गों को कवर करती हैं। बता दें कि पटना हावड़ा रूट पर वंदे भारत का ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे चलाने के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए लगेगा विशेष कैंप। राज्य के दिव्यांगजनों को रोजगार मिल सके इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा हर जिले में एक दिवसीय नियोजन मेला आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में विभाग के निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सयान बिहारी मीना की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मालूम हो कि नियोजन मेला के लिए जिलों को पहले ही राशि दी जा चुकी है, लेकिन निःशक्त जनों के लिए नियोजित मेला आयोजित किया जा सके इसके लिए अलग से 1,60,000 का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। बता दें कि मेले में निःशक्त जनों का चयन उनके योग्यता के अनुसार किया जाएगा। वहीं रोजगार मिलने के बाद दिव्यांगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इसकी निगरानी भी की जाएगी। बता दें कि निगरानी के पीछे विभाग की मंशा है कि ऐसा न हो कि नौकरी देने के चंद दिनों के बाद ही दिव्यांगों को बाहर निकाल दिया जाए। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी जोरों पर। बहुत जल्दी गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मेले का सफल आयोजन किया जा सके इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि मेले की तैयारियों को लेकर आए दिन जिला के DM नगर आयुक्त पुलिस अधिकारी के द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मालूम हो कि इस बार मेले में करीब 6,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों को 17 दिनों तक ठहरने के लिए गया शहर व आसपास के 23 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि DM के दिए गए निर्देशानुसार मेला क्षेत्र के विभिन्न प्राइवेट होटलों व गेस्ट हाउस का औचक जाँच करने की शुरुआत कर दी गई है। वहीं इसके अलावा इंजीनियरों के द्वारा भी प्रतिदिन मेला क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच नगर आयुक्त के द्वारा कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें रोड, नाली, नाली के ढक्कन आदि शामिल है। निगम की ओर से कहा गया है कि रूपमणि तालाब जाने वाले मार्ग में नाली के दीवार को ऊंचा का स्लैब रखने का काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तिथि बढ़ने से इंस्पायर को आया 12,000 से अधिक आइडिया। विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जब से इंस्पायर अवार्ड के लिए ऑनलाइन आइडिया भेजने की तारीख को बढ़ाया गया है, तब से मात्र एक सप्ताह में राज्य के 12,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं के द्वारा इंस्पायर में नवाचार आइडिया भेजा गया है। ऐसे में जिन छात्र के आइडिया का चयन किया जाएगा उन्हें 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। बता दें कि जिन जिलों के छात्रों के द्वारा सबसे ज्यादा आइडिया भेजा गया है उनमें वैशाली और औरंगाबाद है, जहां वैशाली से 4,051 आइडिया है तो वहीं औरंगाबाद में 3,962 आइडिया आए हैं। वहीं वैसे जिले जहां 1,000 से अधिक आइडिया आए हैं उनमें वैशाली और औरंगाबाद के अलावा सारण, गया, सुपौल, भागलपुर और रोहतास जिला शामिल है। इसके अलावा जिस जिले से 1,000 से कम आइडिया आए हैं उनमें सहरसा, पूर्णिया, नालंदा, समस्तीपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण और अररिया शामिल है। राज्य के दक्षिणी भागों के कुछ जिलों में बारिश के आसार। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में धूप देखने को मिल रहा, जिससे लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि अब मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी भागों के एक जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। विभाग के द्वारा आज के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा अगर कल के यानी कि 15 सितंबर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बता दें कि इस तरह की स्थिति IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार 17 सितंबर 2023 तक बने रहने की संभावना जताई गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पंथ पाकर के बारे में। पंथ पाकर सीतामढ़ी जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम से विवाह के बाद माता सीता को पालकी निभ बैठाकर इसी मार्ग से अयोध्या ले जाया गया था। यहाँ एक पुराना बरगद का वृक्ष है जहाँ उन्होंने अयोध्या जाते वक्त कुछ देर विश्राम किया था। इस स्थान पर एक पाकर का वृक्ष भी है जिसके चारों ओर विकसित एक अद्भुत पौराणिक स्थल है। यह वृक्ष विस्मयकारी ढंग से एक विशाल क्षेत्र में फैल गया है जो देखने में काफी रोमांचित करने वाला है। पंथ पाकर को पंडोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तब तपोवन था, आज भी पुंडरीक, श्रृंगी, कपिल, खड़क ऋषि तथा चक्र मुनि के आश्रम हैं। ये सभी आश्रम 10 किलोमीटर के घेरे में आज भी अवशेष के रूप में मिलते हैं। क्षेत्र में मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को लेकर अशोक चौधरी से मिले STET अभ्यर्थी।
बीते दिन एसटीईटी 2023 के अभ्यर्थी एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री व भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि फॉर्म भरने के दौरान उनके द्वारा केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय का चयन किया गया था, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी किया गया तो उसमें विषय फिजिक्स केमिस्ट्री से बदलकर हिंदी हो गए। उन्होंने मंत्री को बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 50,000 है, ऐसे में एडमिट कार्ड में सुधार हो सके इसके लिए अभ्यर्थी के द्वारा लगातार बोर्ड का चक्कर लगाया जा रहा, लेकिन उन बातों पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत होने के बाद मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा तुरंत बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को फोन लगाया गया और इन अभ्यर्थियों की बातों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। आज पूर्व राष्ट्रपति आएंगे बिहार की राजधानी। आज नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं। बता दें कि वह आज यानी कि 14 सितंबर को शाम 4:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वे पटना एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद 15 सितंबर की सुबह 9:30 बजे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजगीर जाएंगे और फिर वहां लोकतंत्र का वैशाली उत्सव लोकतंत्र की जननी विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लेंगे और अपना संबोधन देंगे और फिर वापसी में राजभवन लौटाएंगे। वहीं 15 सितंबर की शाम को ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदेडकर भी जाने वाले हैं। बिहार बीजेपी में 16 चेहरों को मिली जिम्मेदारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में अब बीजेपी की ओर से भी तैयारी तेज कर दी गई है। बता दें कि इसी कड़ी में बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में भाजपा पदाधिकारियों के नए नामों की घोषणा की गई, जिसमें कुल 16 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिनमें सोशल मीडिया के प्रभारी के रूप में देवेश कुमार को तो वहीं संयोजक के रूप में अनमोल सोबित का चयन किया गया है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ में प्रभारी के रूप में कमलजीत सिंह और संयोजक के रूप में वरुण सिंह, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में सुमन महासेठ, संयोजक के रूप में ओम प्रकाश भुवन, सह संयोजक के रूप में अनुग्रह नारायण और राजंश मिश्रा है। वहीं इसके अलावा कई अन्य विभिन्न प्रकोष्ठ में विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मेंस वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत पर मंडरा रहा खतरा। बीते दिन ICC के द्वारा मेंस वनडे रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बल्लेबाजी में सबसे पहले स्थान पर काबिज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जगह पर अब खतरा मंडराने लगा है। दरअसल अब इस लिस्ट में शुभमन गिल दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि शुभमन गिल कुल 759 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, वहीं बाबर आजम 863 पॉइंट के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी 9वें स्थान पर है, वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में 8वें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं अगर अब हम गेंदबाजी की बात करें तो जारी रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड हैं। इसके अलावा अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो इस लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिनमें कुलदीप यादव जो 7वें रैंक पर हैं और मोहम्मद सिराज 9वें स्थान पर काबिज हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का संबोधित किया। ओलंपिक मशाल सिडनी पहुंची। भारत ने 2009 में श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता। भारत में लियंडर पेस व चेक गणराज्य के लुकास डलोही ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर US ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता। फिल्म निर्देशक गोपाल दास परमानंद सिप्पी का जन्म 1914 को हुआ था। कथाकार मोहन थपलियाल का जन्म 1921 को हुआ था। प्रख्यात धाराशास्त्री व भूतपूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी का जन्म 1923 में हुआ। फिल्मों के निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म 1930 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म 1932 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह का जन्म 1963 को हुआ था। हिंदी के कालिदास रूप में प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल का निधन 1947 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का निधन 1971 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण सिंधे का निधन 1985 को हुआ था। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का निधन 1992 को हुआ था। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वारकर में आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में।
सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जीतने का मौका इंडिया पोस्ट G20 समिट $1,000 मूल्य के उपहार आकर्षक लगता है ना, हालांकि आप ठगे जाने वाले हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह लकी ड्रॉ नकली है, इंडिया पोस्ट ऑफिस से कोई संबंध नहीं है इसका। पावर बैंक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप भी पावर बैंक खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पावर बैंक खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत अगर आपके फोन की बैटरी 5000 mAh की है तो कम से कम आपको पावर बैंक 10000 mAh का खरीदना चाहिए, जिससे आप अपने फोन को कम से कम 2 बार फुल चार्ज कर सके। आपको यह ध्यान देना होगा कि जो पावर बैंक आप ले रही है उससे कितनी डिवाइस एक बार में चार्ज हो सकती है। कम से कम ऐसा पावर बैंक तो होना चाहिए जिससे आप एक बार में 2 फोन को चार्ज पर लगा सकें। पावर वोल्टेज बेहद जरूरी है। आपने जो पावर बैंक लिया है अगर उसका आउटपुट वोल्टेज आपके फोन के बराबर नहीं है तो फोन चार्ज नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको फोन के समान आउटपुट वोल्टेज वाला पावर बैंक लेना होगा। बुधवार को निफ्टी ने 20,070.0 के उच्चतम स्तर को छुआ। बीते दिन यानी कि बुधवार को निफ्टी 20,000 स्तर के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 245 अंकों की उछाल के साथ ऊंचे स्तर पर बंद हुआ, जिससे कि शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति बीते दिन करीब 1.57 लाख करोड़ बढ़ गई। बता दें कि बीते दिन कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 245.86 अंक या 0.37% बढ़कर 67,466.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 76.80 अंक या 0.38% की तेजी के साथ 20,070 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि बीते दिन जिन शेयरों में तेजी देखी गई उनमें भारतीय एयरटेल, टाइटन, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के नाम शामिल है। वहीं जो शेयर लाल निशान पर बंद हुए उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, लर्सन एंड टुब्रो, नेस्ले इंडिया, JSW स्टील और इंफोसिस के नाम शामिल हैं। अगवानी घाट गंगा पुल ध्वस्त होने के मामले की अगली सुनवाई इस दिन। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा भागलपुर के पास अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर अधिवक्ता मणिभूषण सिंगर व ललन कुमार की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को 14 सितंबर 2023 तक टाल दिया गया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा पुल निर्माण कंपनी SP सिंगला को निर्देश देते हुए कहा गया था कि वे हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग दे और अपने खर्च पर पुल के ध्वस्त भाग का निर्माण करवाएं। वहीं इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया था कि इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए हलफनामा दायर करें। वहीं याचिकाकर्ता को कोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह का समय दिया गया था ताकि वे राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब दे सके। मालूम हो कि अधिवक्ता मणिभूषण सिंगर के द्वारा जनहित याचिका दायर कर यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से ये पुल दोबारा टूटा है, जिसे 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने पोल्ट्री उत्पादों पर विश्व व्यापार संगठन में व्यापार विवाद सुलझा लिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल, हाल ही में अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। अगला सवाल, आपसठ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य निम्न में से किसका अंकित है? ऑप्शन ए रामगुप्त एवं देवी का, ऑप्शन बी नल दमयंती के प्रणय गाथा का, ऑप्शन सी रामायण का, ऑप्शन डी महाभारत का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामायण का। अगला सवाल, अनुमानतः बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है?
ऑप्शन ए 1,00,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 70,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 40,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 25,000 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 40,000 ईसा पूर्व। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद फहीम, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, एएस दिनेश के, अतीक खान, आशीष कांत कुमार, उमेश ऋषिदेव, लिपि जायसवाल, पंकज कुमार, मुकुंद कुमार झा, उदय कुमार पासवान, नौशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान जिसे आपके अनुसार सरकार की ओर से पर्यटन स्थल में विकसित किया जाना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।